मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा चलो तुम मुझे ये बताओ कि अनवर से नगीन की शादी पे इतराज क्या है तुम्हें? मोहल्ले की लड़कियों को दो दफा छेड़ने के चक्कर में जेल जा चुका है, बाल बाल उसका कर्ज में जकड़ा है, शराब वो पीता है, जुआ वो खेलता है, और जिस दुकान की आप बात कर रहे हैं वो भी कर्जदारों ने कब्जे में की हुई है। आप मेरी बहन की शादी कैसे ऐसे आदमी से कर सकते हैं जो अपने पैरों पर भी नहीं खड़े? इल्जाम आते हैं, इल्जाम तो सियासतदानों पे लग जाते हैं, लीडरों पे लग जाते हैं। अनवर तो बेचारा, लेकिन एक बात को अब बुरा लगेगा तुम्हें, जिन बेटियों को उनके बाप अकेला छोड़ के चले जाते हैं ना जिंदगी में, उनके लिए कोई अफसरों के और बिजनेसमैनों के रिश्ते नहीं। शुक्र करो शादी हो गई तुम्हारी मेरे साथ, अय्याशी के साथ, एक इज्जत के साथ जिंदगी गुजार रही हो मेरे घर। क्या होता बाप के घर होती बाल सफेद हो गए होते तुम्हारे अब तक, और वो सुतेली माँ की चाकरी कर रही होती सिंड्रेला की तरह, और फिर जूता लेके भर ढूंढ रही होती। देखो भाई, मैं घर का बड़ा हूं तो नगीन की शादी का फैसला भी मैं करूंगा बस। लेकिन राष्ट्र था फिर वही, अब एक थप्पड़ खा के भी तुम नहीं सुधरी ना। मतलब देखो यार, तुम अनवर के बारे में जो कुछ कह रही हो ना उसमें कुछ सच है। शादी से पहले मतलब गैर जिम्मेदार है वो, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है, मैं बता रहा हूं तुम्हें, और ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। वैसे भी अब तो कहीं जाके वक्त आया है कि अपनी साली की, मेरा मतलब है कि अपनी साली को आबाद होते देखूं मैं, और बड़े से बड़ा आदमी जो है ना, हड हराम भी जो शादी के बाद बिल्कुल ठीक हो जाता है, तो अनवर भी ठीक हो जाएगा। नगीन बदल के रख देगी उसे, मैं बता रहा हूं। मेरा दिल इस रिश्ते के लिए नहीं मान रहा। अब क्या दिल का बाईपास करा लूं तुम्हारे? क्या करूं दिल का, तुम्हारे दिल की कौन सुनता है भाई? प्रैक्टिकल हो के सोचो खुदा के लिए, और सो जाओ और ये बत्ती बत्ती बंद कर देना। आखिर इन लोगों की जुरत कैसे हुई अनवर के लिए तुम्हारा नाम लेने की? जैसे बैकग्राउंड में हम रहते हैं मैं ऐसे ही रिश्ते आते हैं। मैं तुम्हारी शादी किसी लुच्चे लफंगे से नहीं होने दूंगी। तुम्हें पढ़ाया लिखाया इसलिए नहीं है कि तुम भी वही अजाब झेलो जो मैं झेल रही हूँ। हाँ भी, मैं आप ही की बहन हूँ, और ऐसी कोई हूर परी भी नहीं हूँ कि जिसकी गुर्बत और उसके बैकग्राउंड को इग्नोर करके कोई शादी कर ले। जैसे घर में आपकी शादी हुई शायद मेरी भी वैसे ही हो जाएगी। तुम इतना मवासना मेरे साथ क्यों करती हो? तुम मेरी तरह घुट घुट के नहीं जियोगी। आखिर किस चीज़ की कमी है तुम्हें? खूबसूरत हो, खूबसीरत हो। मेरा दिल कहता है कि मेरे अल्लाह ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सोचा। तुम देखना, बहुत जल्द कोई शहजादा आएगा तुम्हारा हाथ थामने। मुझे शहजादों के ख्वाब ना दिखाएं। मैं एक बहुत प्रैक्टिकल लड़की हूँ, मैंने कभी ये सोचा भी नहीं कि कोई शहजादा आएगा जो मुझे यहाँ से लेके चला जाएगा। वैसे भी इस वक्त मेरा फोकस मेरा करियर है, मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। अब ये ना कह देना कि तुम शादी नहीं करना चाहती। तुम्हें अंदाजा नहीं है मुझे कितनी फिक्र है तुम्हारी शादी और तुम्हारे अच्छे मुस्तकबिल की। क्या अच्छे मुस्तकबिल की जमानत सिर्फ शादी है? इस बात का जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि शादी बहुत जरूरी होती है, खास तौर पे मेरे तुम्हारे जैसी लड़कियों के लिए जिनके सबके माँ बाप नहीं होते। मैं मानती हूँ कि शादी करना जरूरी होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये होता है कि वो रिश्ता खुशियों के लिए कायम किया जाए, ना कि अपनी जिंदगी को जहन्नम बनाने के लिए। मैं तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर की तलाश में हूँ। मुझे बेहतर से बेहतर की तलाश नहीं है, अभी मुझे एक ऐसे शख्स की तलाश है जो मुझसे मोहब्बत करे, मेरी इज्जत रखे, जिसके पास बेशक दौलत ना हो लेकिन फिर भी मेरे साथ मुखलिस हो, सच्चा हो। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा तुम्हारे साथ।